एक मुर्गा बिना सिर के 18 महीने तक जीवित रहा। फ्रेंड्स, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि एक मुर्गा जिसका सर कट जाने के बाद भी वो कई महीनों तक जिंदा रहा? जी हाँ, माइक नाम के मुर्गे की कहानी है ही इंटरेस्टिंग, जो एक रिसर्च का सब्जेक्ट भी बन गया। और इस घटना के बाद तो माइक मुर्गे को मिरेकल माइक भी कहने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैष्णवी एंड वेलकम टू माई चैनल माइंड सेट नॉलेज। फ्रेंड्स, मैं एक नई शॉर्ट वीडियो की सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसमें एक पर्टिकुलर फैक्ट से जुड़ी जानकारी आपको दूंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये बात है कोलोराडो यूएस में फ्रूटा के रहने वाले एक फार्मर लॉयड और स्लेन के मुर्गे माइक की, जिसका 10 सितंबर 1945 को सिर काटा गया था। फार्म पर माइक मुर्गे के साथ साथ अन्य जानवर व मुर्गे मुर्गियां भी रहते थे। फार्म पर अपनी पत्नी के साथ लॉयड ने कुछ मुर्गों को काटने के लिए अलग किया, जिनमें से एक माइक भी था। माइक उस वक्त 5.5 महीने का था जब लॉयड ने उसका सिर काटकर अलग कर दिया था। जब लॉयड ने मुर्गे का सर काटा तो वह उनके हाथों से छूट के भागने लगा। इसके बाद उसने मुर्गे को पकड़ के एक बॉक्स में बंद कर दिया। अगली सुबह जब लॉयड ने बॉक्स को खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि मुर्गा अभी भी जिंदा था। लॉयड ने अब मुर्गे का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उसके फूड पाइप, जिसे एसोफेगस कहते हैं, से उसे जूस और मक्के के दाने खिलाने लगे। ये खबर पूरे अमेरिका में ऐसी फैली कि सॉल्ट सिटी के यूटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कई मुर्गों के सिर सिर्फ ये जानने के लिए काट दिए थे कि वो बिना सिर के ज़िंदा रहते हैं या नहीं। लेकिन कोई भी मिरेकल माइक के जैसे ज़िंदा नहीं बच पाया था। मौत को मात देने वाले इस मुर्गे को इसी वजह से लोगों ने मिरेकल माइक का नाम दिया था। करीब 18 महीनों तक बिना सिर के जीने वाले इस खास मुर्गे की 1947 में मौत हो गई थी। मौत की वजह ये बताई गई थी कि एक बार जब लॉयड ने माइक को जूस दिया तब वह उसकी फूड पाइप को साफ करना भूल गए, जिस वजह से दम घुटने के कारण मिरेकल माइक की मौत हो गई थी। माइक अपनी मौत से पहले इतना पॉपुलर हो गया था कि लॉयड और स्लेन ने उसे दिखाने के लिए टिकट लगा दिया था। 1945 के समय में लॉयड $4,500 हर महीने कमाते थे। आज भी फ्रूटा में हर साल माइक की याद में हेडलेस चिकन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बहुत से लोग जमा होते हैं, अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये आखिर कैसे संभव हो पाया। मुर्गे का ब्रेन सर के पीछे हिस्से में होता है। जब माइक को काटा गया तो उसका चेहरा, चोंच और आंखें तो कट गईं, लेकिन ब्रेन का 80% हिस्सा बचा रह गया, जिससे उसकी बॉडी का ब्लड सप्लाई और डाइजेशन सिस्टम काम करता रहा और माइक बन गया मिरेकल माइक। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।